सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थाधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमास्तुते। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। हे माँ संतोषी, हम दोनों को आशीर्वाद देना कि हम हर जन्म में एक दूसरे के साथ रहें और आने वाली हर मुश्किल का सामना कर सकें। हाँ, देखो ना रंगीनी, देवी संतोषी और उनकी भक्त के समक्ष देवी पौलोमी का प्रभाव दुर्बल पड़ रहा है। मुझे तो बड़ा कष्ट हो रहा है, कितनी असहाय सी लग रही है देवी पौलोमी। मूर्ख हो तुम दोनों। ना ही हम असफल हैं और ना ही हमारा प्रभाव कभी दुर्बल पड़ सकता है। विवाह अंतिम पड़ाव नहीं होता, किसी भी कन्या के वास्तविक जीवन का प्रारंभ उसके विवाह के पश्चात ही होता है। देवी संतोषी की भक्त प्रसन्नता की डोली चढ़कर कष्टों के वन में प्रवेश कर रही है। जिस कुटुंब में वो बहू बनी है वहाँ हमारे ही उपासक हैं। किंतु देवी संतोषी ने यदि वहाँ भी सब सामान्य कर दिया तो? देवी पौलोमी ने कहा ना, हम दोनों मूर्ख हैं, तो ये मूर्खता भरा प्रश्न क्यों कर रही है? बस इतना ज्ञात होना चाहिए हमें कि देवी पौलोमी देवी संतोषी से अधिक शक्तिशाली है और अंत में वही जीतेंगी। तुम दोनों के जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियां आएंगी, किंतु प्रेम धर्म और व्रत से तुम उनका सामना करना और विजयी होना। सदैव प्रसन्न रहो, कल्याण हो। अब आप दोनों फेरे शुरू करिए। मंगलम भगवान विष्णु। बहुत बढ़िया। बिना माँ बाप के शादी कर रही हो? काजी, बहुत बड़ी हो गई बिटिया, जो शादी जैसा बड़ा फैसला खुद ही कर ली। तू ये काहे भूल गई कि जिंदगी की नई शुरुआत के लिए माँ बाप के आशीर्वाद की भी जरूरत पड़ती है। तो भला हो इंद्रेश जी का जो मैं फोन कर दिया। वरना तुम तो घर छोड़ के चली आई थी बिना कुछ बोले। कौनो बात नहीं अर्चना जी। अरे बेटी ने ना ही बताया तो क्या हुआ, दामाद जी ने तो हमें बता दिया ना। सॉरी पापा, सॉरी माँ, वो इंद्रेश ने इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ किया ना। कौनो बात नहीं बेटा, खुशी की बात ये है कि हम लोग सही समय पर आ गए। सारे साहब, अभी भी गुस्सा हो कि? हमरा गुस्सा के बारे में छोड़िए, हमरा दीदी को कोनो तकलीफ नहीं होना चाहिए और दीदी को दोबारा ढूंढने का जरूरत ना पड़े। और एक बात और, अपने बाबूजी के चक्कर में हमरा दीदी को मत छोड़ दीजिएगा। अरे साले साहब, आपकी सारी शर्तें सराखों पर, वादा करते हैं कि स्वाति को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हमको बहुत गुस्सा था,
आपका और जीजा जी का शादी को लेके, लेकिन आपके प्यार ने हमारे गुस्से को हरा दिया। चल पगला, बड़ा आया गुस्से वाला। पंडित जी फेरा शुरू करिए। फेरे शुरू करिए, तुम पागल हो यो का? अरे सिंहासन हमारा बचपन का दोस्त है, पर तुम शादी तोड़ाई। पापा, सिर्फ शादी तोड़ी है मैंने, आपकी दोस्ती नहीं तोड़ी उनसे। और आप ही सोचे ना, उस घर में मैं कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ? कैसे भी करो, उस घर में तुम्हें एडजस्ट भी करना है और उसी घर में तुम्हें रिश्ता भी निभाना है। एक बात कान खोल के सुन लो, उसी घर में तुम्हारी शादी होगी, अजय होगी और इंद्रेश के साथ ही होगी। चलो हमारे साथ। पापा, चलो। पापा छोड़िए। सातवां और अंतिम फेरा संपन्न हुआ। पापा छोड़िए। नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी शादी होगी तो इंद्रेश के साथ ही होगी। नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए। चलो हमारे साथ। वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति और पत्नी हो। सोच रहे थे कि अगर तुम इंद्रेश के साथ शादी नहीं करना चाहती हो तो हम तुम्हारी शादी जबरन क्यों कराएं? ठीक है, सिंहासन हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन पुरानी दोस्ती के खातिर हम तुम्हारे सपनों की बलि तो नहीं चढ़ा सकते ना? यही सोच रहे थे हम। पापा, अब ठीक तो है ना? हम ठीक है, ठीक है, ठीक है। नारायण नारायण। माते, इस दृश्य को देखकर यदि देवी पौलमी अपनी नकारात्मक और प्रतिशोधी भावनाओं को त्याग दे तो कितना उत्तम होगा। माते माते, क्या देवी पौलमी के मन में ये विचार कभी नहीं आएंगे कि मनुष्य ने अपने प्रेम, निष्ठा और समर्पण के भाव से मंगल सूत्र को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि भोलेनाथ के भक्त ने जैसे ही उसे अपनी जीवन संगिनी को पहनाया, समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो गई। माते, और देखिए माते, उस कन्या का पिता ये कितने सामान्य हो गए हैं।
देव ऋषि। माते, देवी पौलमी सामान्य नहीं होंगी, क्योंकि द्वेष, ईर्ष्या, कटुता और छल उनका स्वभाव है। इस समय तो वो प्रतिशोध की ज्वाला में व्याकुल हो रही होंगी। नारायण नारायण, उचित कह रही हैं आप माते। तरंगिनी, देवी पौलमी को देखकर मुझे भय क्यों लग रहा है? क्योंकि इस समय वो अत्यधिक क्रोध में हैं। तुम उनके समक्ष जाना भी मत, अन्यथा वो तुम्हें भस्म कर सकती हैं। ये सब सामान तुम्हारे लिए है, जो हमने तेरे लिए बरसों से इकट्ठा किया है। हमें क्या, हर माँ अपने बिटिया के लिए इकट्ठा करती है। ऐसा मत देख बेटा, ऐसा बोलते हैं कि जिस लड़की को विदाई के समय मायके से ही नहीं मिलता ना, समझो उसे अपने माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिला। बेटे, इसे हमारा आशीर्वाद शुभकामनाएं समझ के रख ले, कर खुश रहे हमेशा खुश। माँ पापा, आप दोनों के लिए हमारी खुशियों से बढ़कर कब हो कुछ नहीं रहा। थैंक यू हमको समझने के लिए भी और हमारा साथ देने के लिए भी। दामाद जी, हम जानते हैं कि आपके बाबूजी आपके और स्वाति के इस रिश्ते के खिलाफ थे। ऐसे में अगर आप चाहें तो हमारे साथ रह सकते हैं। अब वो घर भी आप ही का घर है। नहीं पापा, हर लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद अपने ससुराल में रहे। हमरा भी है, इसलिए हम वहां ही रहेंगे। और जैसे हर लड़की का सपना होता है कि वो शादी के बाद अपने पति के घर में रहे, वैसा ही हर लड़के का भी सपना होता है कि वो अपनी बीवी के सारे सपने पूरे करे, कोई अधूरा ना छोड़े। पापा, स्वाति और हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इजाजत। ये पित्ते भर की लौंडिया और ये गज भर की जबान। बहुजी को यहाँ आके प्रवचन सुना गई और बहुजी चुपचाप सुन ली। अरे हमको तो ये भी समझ नहीं आ रहा, आखिर वो खाकी वर्दी वाले उखाड़ का लेते काहे से कोर्ट कचहरी तो बाबूजी हाथ में लेके घूमते हैं, तो वहीं का वहीं जवाब काहे नहीं दिए? अरे डर काहे गए? डरते तो हम यमराज से भी नहीं है। गलती हमारे बेटवा की थी, इसलिए शांत रहे।
प्रेम लीला का रास न रचाया होता तो सारा कार्यक्रम बिना किसी प्रपंच के तय हो गया होता। इसीलिए तुरंत फुरन में तुम्हारे भाई को लेके गए थे शकुन लेके, लेकिन उस लड़की को समझ में नहीं आया, बस आके शंख बजा दी। शांति से बात की होती तो बात बनती। बाबूजी हम तो कहते हैं जो हुआ सो हुआ, अब उठा लाइए लड़कियां को और करा दीजिए इंद्रेश भैया से ब्याह। ले करा लियो अब इंद्रेश भैया का ब्याह। देखो माला वाला पहने ब्याह करे चले आ रहे हैं। नौटंकी अरे नौटंकी ना बाबूजी, असलियत है। चलो स्वाति। स्वाति और हम शादी कर लिए, और वैसे भी वो निधि तो मुंह पर मना करके चली गई, तो हम क्या हैं? वो मना करके चली गई तो इस सड़क छाप को लाके सामने खड़ा कर दिया हैं? अब बोला शादी कर लिए। अरे घर परिवार समाज सबकी इज्जत बेच आया है कारे? छिछोरी लड़की से रिश्ता करके समाज में तू करवाएगा? आओ जी, छिछोरी ना आई है और ना ही सड़क छाप है। आप इसके पिताजी से मिल चुके हैं, अच्छे परिवार से है। उस नलकूप विभाग से भी मिल चुके हैं और इसको भी अच्छी तरीके से पहचान चुके हैं, इसीलिए कह रहे हैं बेटा ऐसे दाना डाल के अमीर लौंडों को फंसाने वाली को दुनिया घटिया और टुच्चा ही कहती है। आओ जी मत भूलिए, हम हमारी पत्नी है। तो तुम भी ना भूलो ये इंद्रेश, प्रेम विवाह करने वाला आज तक खानदान में कोई नहीं हुआ, और जब अनर्थ कर ही दिया है तो एक काम कर, घर से निकल जा। जी हम जानते हैं आपको बुरा लग रहा है, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। आप कर दीजिए हमें और अपना लीजिए रिश्ता। क्या बोला? अपना लीजिए रिश्ता। तुम कोई बुढ़ापा हो जो मन मार के अपना ले? हमसे माफी तो अब देवता भी नहीं दिलवा सकते तुमको। भैया निकाल बाहर कर याचिका वाला घर से। बाबूजी अब शांत हो जाइए, अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं ना। क्या बात करेंगे? क्या बात करें बेशरम से?
बेशरम तो यही बोलेगा ना कि बाबूजी हम जोड़ू के गुलाम हो गए, अंदर आ जाए तब। औरत का पल्लू पकड़ के चलने वाला कोई मर्द होता है? हमारा खोपड़ी का नस फट रहा है, पकड़ो यार। बाबूजी आप शांत हो जाइए, कहीं नहीं जाने वाले। क्या बोला फिर से बोल। हमने कहा हम कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि यही हमारा घर है और अब से स्वाति का भी। और आप भी जानते हैं कि हर लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद वो अपने ससुराल में रहे। स्वाति का भी यही सपना है, जिसे हम अधूरा नहीं रहने देंगे। इसका गृह प्रवेश इसी घर में होगा।